जयराम लखनलाल भगवान परशुराम को प्रणाम करो। अटल कीट विक्रम बलि व्याध न बापे कोई, निडर रहो और ते सदा समर न जीते कोई। इन दोनों बालकों के लिए विश्वामित्र जी मेरा आशीर्वाद है कि इनसे संग्राम में दुश्मन कभी भी विजय प्राप्त ना कर सके। राम लखन दशरथ के धोखा दीदे अतीत दे बहुरी बिलोक में दे हसन कहाँ का है बिहीर बना रहे। महाराज जनक ये किसकी पुत्री है, साक्षात जगत की जननी जगदम्बा दिख रही है। हे महाराज मुनिवर, एक कन्या विदेहराज जनक की पुत्री सीता है। पुत्री सीता के लिए हमारा आशीर्वाद है, जब तक गंगा जमुना में जल बना रहे पुत्री सीता का स्वाहा बना रहे। हे जनक, ये मुनिवर, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये और ये अभी जोर सा कैसा था, तीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, तीरों में छेड़छाड़ क्यों है। कौन सा ऐसा उत्सव का काम किए हो जनक, जो तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ एकत्रित हुई है। मुनिवर, तक्षमक में शिव जी ने जो धनुष सुरगण के लिए उठाया था, वह धनुष मेरे पास पूजा हेतात रखा हुआ था। हे मुनिवर, एक दिवस पुत्री सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठाया है। उसी समय हे गुरुवर, मैंने उसी समय प्रण किया कि जो भी वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा वह सीता से नाता जोड़ेगा। तो हे मुनिवर, तो क्या भगवान शंकर का धनुष टूट गया? हाँ मुनिवर, कहाँ है? पूरा भी हुआ। क्या बात है, जिस धनुष को माता पार्वती अपने हाथों से साफ करके इसकी रक्षा करती थी, जिस धनुष को नंदीगण अपनी जिभ्या से चाटकर इसकी रक्षा करता था, जिस धनुष को बासुकी नाग अपनी कैंची में लपेटकर इसकी रक्षा करता था, आज मैं उस धनुष का यह हाल देख रहा हूँ। भगवान शंकर, आप मेरे अपराध को क्षमा करना, लेकिन इस धनुष को जिस किसी भी व्यक्ति ने दो खंडों में विभाजित किया है वह मेरे हाथ से आज बच नहीं सकता। अतिरिक्त बोले वचन करो बोला कहूं लाल जनक धनुष क्यों बोला Thank you.
ऋषि राज ठाकुर है क्यों? और तू तो बेटे की बात अच्छी नहीं है क्यों? किसी भी लड़के